हाय बच्चे लोग, हाउ आर यू? यस, आई एम आल्सो फाइन. ओके, एंड आई होप दैट एवरीवन इन योर फैमिली एंड इन योर नेबरहुड इज फाइन. आपके घर में, आपके आसपास में सब लोग कुशल हैं. ओके, एंड या वन मोर थिंग, यू नो लाइक व्हेन यू केयर अबाउट पीपल, जब आप किसी आपको किसी आदमी की फिक्र होती है ना, तो आपको जो है बताना चाहिए दैट आई लव यू. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू लव योर फादर, यू लव योर मदर, यू लव योर ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, अपने दादा दादी से प्यार करते हैं, अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, है कि नहीं? सो यू कैन से आई लव माय पापा, आई लव माय मॉम, आई लव माय ब्रदर और आई लव माय सिस्टर, आई लव माय दादाजी, आई लव माय दादी जी. ओके, जिसको प्यार करते हैं उसको दिन में एक बार जरूर बोलना है आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी. गॉट इट? और इसके अलावा अगर आपको मिठाई पसंद है ना, आप ये भी बोल सकते हैं आई लव रसगुल्ला. ओके, गुड. नाउ, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मेरी ही दूसरी कहानी है भाई. सुबह सुबह मैंने सोचा कि थोड़ा सा फिटनेस पे काम किया जाए. खेलना खेलना, देखो थोड़ा बहुत जो है दौड़ने कूदने वाला खेल जो है वो खेलना चाहिए, इससे हम तंदुरुस्त होते हैं. आप भी खेल सकते हैं, पता है कैसे? जगह पे कूद के, है कि नहीं? इससे जो है आपको फिजिकल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है. स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल, आई मीन वीडियो गेम्स, केवल वीडियो गेम्स से दूर रहो. बाकी थोड़ी देर के लिए जो है दौड़ने कूदने वाला भी खेल खेला करो. ओके, इट विल मेक यू फिट. तो सुबह जब मैं खेलने गया, तो पता है मैंने कौन सा गेम खेला? मैंने खेला बैडमिंटन. ओके, बैडमिंटन आप लोगों ने देखा है. और बैडमिंटन में जब मैं कॉर्ट को मारता था, टक टक, कैसे मार रहा था मैं? या टक टक. और पता है वो साउंड कैसा दिखता है? वो साउंड ऐसा दिखता है, एक खड़ा वाला डंडा स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर एक सोया हुआ डंडा स्लीपिंग लाइन डाला और क्या बन गया साउंड? टक टक. बैडमिंटन चल रहा है, टक टक. इसी के छोटे भाई को ऐसे देख लो, टक टक. कैन यू राइट इट वंस अगेन? लेट अस राइट इट वंस अगेन. Got it? जैसे कि टेबल या फिर टंग. आपके पास टंग है ना, वो भी क्या साउंड देता है? योर टीथ, आपके दांत जो हैं, उनमें भी कौन सा साउंड आता है? योर टोज, पैर का जो उंगली है, राइट? व्हाट साउंड डज इट गिव? ट. तो आप जो है वो काम करिएगा, लेसन के नीचे जो वर्कशीट है उसमें आप जो है ट लिखने की प्रैक्टिस करिएगा. क्या लिखने की प्रैक्टिस करिएगा? ट. ओके, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों की प्रैक्टिस करनी है और बढ़िया राइटिंग में करनी है. ओके, यू कैन सिट विद योर मॉम और योर डैड व्हेन डूइंग योर होमवर्क. होमवर्क करते वक्त जो है मम्मी या पापा के साथ आप बैठ के करिएगा. ओके, वर्कशीट जो होगा उसका डिजाइन जो है आप अपने नोटबुक में बनवा लीजिएगा मम्मी या पापा से और फिर आप उसको पूरा करिएगा. ओके, हैव फन, बाय बाय.